हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम है प्रांजल आर्य और आप सभी देख रहे हैं क्रेजी 48। कार्तिक और सीरत एक दूसरे के लिए बने हैं, ये बात वो भी जानते हैं जिन्होंने इन दोनों की स्टोरी बनाई है। ये दोनों भी बखूबी जानते हैं और आप सब तो अच्छे से जानते ही हैं। वो बात अलग है कि कार्तिक और सीरत तो मिलकर भी एक नहीं हो पाए। जहां पर सीरत की शादी रणवीर के साथ हो गई तो बेचारा कार्तिक वो तो भैया अकेला ही रह गया। कार्तिक को देखकर तो ऐसा लगता है कि उसकी जिंदगी में सुख कम है, लेकिन दुख ही दुख चारों तरफ दिखाई देते हैं। अब जो लोग ये सोच रहे हैं कि रणवीर की मौत के बाद कार्तिक सीरत एक हो जाएंगे, दोनों की न्यू जर्नी स्टार्ट होगी, तो होगा तो ऐसा ही लेकिन विद ट्विस्ट एंड टर्न्स। शो के आने वाले एपिसोड काफी ज्यादा खास होने वाले हैं, क्योंकि आपको बता दें कि शो के अपकमिंग एपिसोड में कार्तिक और सीरत के शादी का ट्रैक जो आने वाला है। लेकिन ये शादी दोनों के लिए बर्बादी से कम साबित नहीं होगी। इसके पीछे की वजह है, इस शादी को कम लोग सपोर्ट करेंगे और खिलाफ तो भैया ना जाने कितने होने वाले हैं। कार्तिक ने रणवीर से वादा कर दिया है कि वो उसके जाने के बाद यानी कि रणवीर की मौत के बाद सीरत की जिम्मेदारी उठाएगा। अब ऐसे में कार्तिक कभी अपना वादा तोड़ता है कि कभी उसने कभी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ा है? भैया आज तक हमने तो नहीं देखा, तो इसलिए इस बार वो कैसे मुंह मोड़ लेगा? सीरत से अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए वो कुछ भी करेगा। लेकिन इन सब चीजों में गोइनकास यानी कि कार्तिक का परिवार उसकी बिल्कुल मदद नहीं करेगा। इसके पीछे की एक बड़ी वजह है, जो कि है नायरा, यानी कि कार्तिक की पहली पत्नी, कार्तिक का पहला प्यार जो अभी भी उसके जहन में जिंदा है। गोइनकास नहीं चाहते हैं कि उनकी घर की बहू और कार्तिक की पत्नी यानी कि जो नायरा थी उसकी जगह कोई भी ले, और यही पर अब होने वाली है तनातनी शुरू, क्योंकि गोइनकास नायरा की जगह नहीं देने वाले हैं, उसका बंटवारा नहीं करने वाले हैं, वो भी सीरत के साथ। और इस शादी में अगर सबसे बड़ा विलन कोई बनकर आएगा तो वो होगा यहाँ मनीष यानी कि कार्तिक के पापा। वैसे आपको बता दें कि शादी तक पहुंचने से पहले भी कार्तिक सीरत की जिंदगी में बहुत बड़े बड़े ड्रामे होंगे। शो में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तो रणवीर की मौत ही होगा, जिसका सीधा सीधा जिम्मा सीरत कार्तिक के सर पर डाल देगी। यानी कि रणवीर की मौत का जिम्मेदार सीरत कार्तिक को ही मानेगी, क्योंकि कार्तिक ने रणवीर की बीमारी के बारे में सीरत को नहीं बताया। लेकिन सीरत ये नहीं जानती कि रणवीर ने कार्तिक को कसम दे दी थी। अब ऐसे में कार्तिक समझाएगा मनाएगा सीरत को, लेकिन भैया सीरत तो कार्तिक से ही नफरत करने लग जाएगी, दोनों के बीच में डिस्टेंसेस आ जाएंगे और यहीं पर कहानी बहुत बुरी तरीके से उलझ जाएगी, फंस जाएगी। लेकिन कार्तिक भी हार मानने वालों में से कहा है, कार्तिक जैसे तैसे करके सब कुछ ठीक कर सीरत से शादी करेगा। सीरत को तो कार्तिक मना लेगा, लेकिन अपने परिवार वालों को मनाना कार्तिक के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाने वाला है, क्योंकि गोइनकास नहीं मानने वाले हैं। एक तरफ कार्तिक का परिवार, दूसरी तरफ उसकी जिम्मेदारी, और अब तीसरी तरफ आ चुकी है सीरत। सीरत की जिंदगी में नए विलन्स की एंट्री, जो कि उसके ससुराल वाले होंगे यानी कि गोइनकास होंगे। अब ऐसे में कार्तिक सीरत की जिंदगी बिगड़ेगी या फिर सवरेगी? भाई ये तो शो के आने वाले एपिसोड में देखना वाकई दिलचस्प होगा। लेकिन मेकर्स के दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं, शो में फैंस के लिए क्या एक्साइटिंग होने वाला है, कौन कौन से नए ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं, तो समय समय पर इसकी अपडेट लेकर हम आप सभी के सामने हाजिर होते रहेंगे।